जान दे दी है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोनों ने फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अलग अलग गांव में दो लड़कियों ने ये कदम उठाया, जहां पर वो मनचलों से इस कदर परेशान हो गई कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मनचलों को नहीं है पुलिस का खौफ और इस कदर मनचले हावी हैं कि लड़कियों ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है और पुलिस के हाथों से मनचले अभी तक फरार हैं। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मनचलों से परेशान दो लड़कियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अलग अलग गांव में दो लड़कियों ने यह कदम उठाया है। मनचलों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफी, मनचलों से परेशान होकर के लड़कियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? योगी सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, लगातार दावे कर रही है कि जो भी इस तरीके की कोई भी परेशानी अगर आती है औरतों को तो कहीं ना कहीं सरकार खड़ी। लेकिन जिस तरीके से एक घटना सामने आ रही है बस्ती के तालाब की, जहां पर मंत्रियों द्वारा दो लड़कियों को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और आत्महत्या कर ली, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात होती है और ये घटना सामने आती है तो जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो घटना हुई है किस तरीके से हुई है। ये दो लड़कियां हैं, लगातार परेशान की जा रही थी, लगातार फोन करके परेशान किया जा रहा था और इन लोग कहीं ना कहीं नया साल शुरू होते ही जिस तरीके से बात सामने आई थी कि प्रदेश की सरकार जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर काम करेगी, लेकिन जो शुरुआत में ही ऐसी घटना सामने आ गई ये जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना सामने आ गई। सफी, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या कभी उन्होंने पुलिस से शिकायत करी थी इसको लेकर के? फिलहाल परिवार वालों से अभी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो भी कुछ भी कहने के अभी उसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जरूर हम लोगों की लगी हुई है कि कहीं ना कहीं परिवार कुछ बोले, पुलिस कोई बात करे, लेकिन अभी कोई भी कुछ बोलने को इसमें राजी नहीं है। जी सफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर ये बता रहे हैं, जहां पर दो लड़कियों ने मनचलों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। पुलिस के हाथों से मनचले अभी भी फरार चल रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले मनचलों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। मनचलों से परेशान लड़कियों ने दी जान, लखनऊ से खबर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, डीएम ने परखी ड्राई रन की व्यवस्था। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर लोहिया हॉस्पिटल और केजीएमयू में निरीक्षण किया गया है कोविड वैक्सीनेशन की ड्राई रन की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जाना है। डीएम ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर आप सभी जानते हैं कि ड्राई रन चल रहा है वैक्सीन का। लखनऊ में 6 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है और इसी के मद्देनजर जो डीएम है वो लोहिया हॉस्पिटल और केजीएमयू में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं।
व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के दिए गए निर्देश। डीएम ने परखी ड्राई रन की व्यवस्था, लोहिया हॉस्पिटल केजीएमयू में निरीक्षण किया है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए। डीएम ने परखी ड्राई रन की व्यवस्था, लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से डीएम वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने ड्राई रन की जो व्यवस्था है उनका जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। लोहिया हॉस्पिटल केजीएमयू की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कोविड वैक्सीनेशन की ड्राई रन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई है। जनपद लखनऊ में 6 स्थानों पर ड्राई रन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जिसमें हमारे 4 बड़े अस्पताल शहरी क्षेत्र में, जिसमें पीजीआई केजीएमयू वर्तमान में जहां हम लोग हैं, लोहिया अस्पताल और सहारा हॉस्पिटल है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 सीएससी माल और सीएससी मलियाबाद ली गई है। ये 5 स्टेप में ड्राई रन किया जा रहा है, जो एक्चुअल प्रक्रिया भी इसी रूप में रहेगी। सबसे पहले जो बेनिफिशियरी हैं जिनका वैक्सीनेशन होना, उनका प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन, फिर वो वेटिंग एरिया में आते हैं, वेटिंग एरिया में फिर उनका ऑनलाइन फीडिंग किया जाता है। बड़ी खबर आपको बताते हैं औरैया में।